हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने लाइटिंग में थोड़ा इम्प्रूव किया, और वो बोलने के बाद मैंने लाइट्स ऑन करना ही भूल गया। तो उम्मीद है आज आपको वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। अगर आप दिख रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि सेल में आईफोन के प्राइसेस क्या रहेगा। तो पूछेंगे कि यार सेल में तो बाकी काफ़ी टाइम बचा है, आप अभी क्यों बोल रहे हो? तो एक्चुअली में जो है ना, वो काफ़ी लोग बहुत टाइम से प्लान करते हैं सेल में कुछ खरीदने का, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइम होता है सेल का। और इसलिए मैंने ये वीडियो, अभी मैंने 3 महीने अभी सेल को बचा है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो अभी लोगों को आसान होगा कि थोड़ा बहुत सेव करके उसको जो भी मतलब डिवाइस पसंद है, उस डिवाइस का प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट वो सेव कर पाएगा। और जो सभी टाइम राइट टाइम जब आएगा तो आसानी से वो चीज़ खरीद पाएगा, विदाउट लास्ट मोमेंट में अगर उसको पता चले कि इतना रुपये लगेगा तो वो काफ़ी लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते, उनको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ जाएगा EMI वगैरह में। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी सब्सक्राइब है उनको कोई भी मतलब परेशानी हो। तो मैंने जो है पिछले 3 साल का डेटा निकाला है और उसे अच्छे तरीके से एनालाइज किया है कि कौन सा साल में कौन सा डिवाइस निकला, उसका लॉन्च प्राइस क्या था, कितना टाइम बाद उसका कितना डिस्काउंट हुआ, ये सब वगैरह। और मैंने एक कंक्लूशन लाया है, तो अभी मैं आपको उस वही बताऊंगा। तो इस वीडियो में कोई भी आईफोन का प्रो सीरीज़ का मैं प्राइस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप वो जानना चाहते हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, तो मैं उसका भी अलग वीडियो आपको बता बना दूंगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, हम बिल्कुल टॉप से शुरू करेंगे iPhone 15 से और सीधा जाएंगे 11 में प्राइसिंग में। तो सेल में जो है वो iPhone 15 का कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो तभी तभी लॉन्च होगा, फ्रेश माल होगा बिल्कुल मार्केट में। तो इस बार हो सकता है iPhone 15 का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि 15 Pro रूमर्ड है कि थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग के साथ आएगा इंडिया में। हो सकता है Apple 15 का प्राइस नॉर्मली जो 80,000 में लॉन्च होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज करके 85,000 कर दे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट आपको HDFC वगैरह के जो कार्ड्स ऑफर है वो ज़रूर मिलेगा, 4,000 वगैरह का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं iPhone 14 के प्राइस। तो iPhone 14 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा इस बार, क्योंकि ये 50,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हर बार की तरह। तो ये 50,000 के तो कुछ लोगों को मिलेगा शायद, जो भी लकी होंगे। और उसके बाद नॉर्मली इसका प्राइस थोड़ा बढ़ के 52 से 55,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, तो अपने तक का पकड़ ले सकते हो इसका प्राइस। और उसके नीचे हम अगर जाए तो आईफोन 13 होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फोन है, क्योंकि वो 14 से बिल्कुल सिमिलर है। और आईफोन 13 का जो प्राइस है वो थोड़ा और ड्रॉप होगा इस बार। जैसे कि आईफोन 14 और 13 में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है 14 का जो कैमरा सेंसर है वो ऑटो फोकस सपोर्ट करता है, क्योंकि जो वीडियोग्राफर से उसके लिए काफ़ी अच्छा है जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, बट नॉर्मल लोगों के लिए तो ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक और डिफरेंस है वो बैक का जो ग्लास है, दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसमें। 14 का अगर आपको ग्लास बैक का ग्लास टूटता है तो वो कम पैसे में रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो रिमूवेबल है, बट 13 का ऐसा नहीं है। तो 13 का जो प्राइस है इस बार वो जाएगा 45,000 के अराउंड, क्योंकि लास्ट टाइम 12 का जो 128 GB था उसका प्राइस इससे 46,000 के अराउंड था, तो इसका भी इतना ही जाएगा। और कार्ड डिस्काउंट में आपको थोड़ा और ज़्यादा नीचे इसको देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जो फ़ोन है वो आएगा पॉपुलर फोन, सॉरी 12 का 128 GB आपको देखने को मिल जाएगा, और उसका जो प्राइसिंग है वो 40,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है 42 में प्राइस में, और आपको कार्ड डिस्काउंट लगा के 40,000 में मिल जाएगा जरूर से। और अगर आपको इससे नीचे जाना है तो आपको 12 का ही 64 GB देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो प्राइस डिफरेंस रहता है 4,000 का रहता है अराउंड 12 का 64 एंड 128 GB। तो सेल में इसका जो 64 GB है इसका प्राइस आपको 36 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, और कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको और थोड़ा नीचे इसको 35 के अंदर ही आपको देखने को ये मिल सकता है। और अगर आप इससे नीचे जाए तो आपको 12 मिनी का 128 GB मिलेगा, जिसका प्राइस बिल्कुल होगा आईफोन 12 का 64 GB का सेम होगा बिल्कुल। तो ये भी आप 35 के अराउंड पकड़ के चल सकते हो। और अगर आपको इससे नीचे लेना है तो आपको 12 मिनी मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग 32,000 के अराउंड होगा, और आपको कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के 30,000 में ये मिल सकता है बिल्कुल से। तो अगर आपको इससे भी नीचे जाना है तो ये आईफोन 11 है, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर आपको लेना ही है, आपको रिफर्बिश वगैरह लेने से अच्छा ये ले लो, तो इसका जो प्राइसिंग है आपको 28,000 के अराउंड इस सेल में देखने को मिल जाएगा। और आईफोन 11 इस बार शायद लास्ट आएगा सेल में, वैसे बाहर तो 12 ही मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस बार के बाद, बट इंडिया में थोड़ा एक साल ज़्यादा चलता है, तो इस बार तो आपको अगला साल भी 12 मिल जाएगा। बट इस साल आई थिंक सबसे अच्छा टाइम होगा जब आप 12 को लो, क्योंकि ये 5G का एप्पल का पहला फ़ोन है, और अब 5G इंडिया में काफ़ी अच्छी तरीके से रोल आउट भी होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको 12 आई थिंक इस साल का सबसे जो अच्छा एक डील होगा वो बन जाएगा ये 12 का फोन।
तो आपको उम्मीद है एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितना सेविंग करना है अपने पसंदीदा फोन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा मोबाइल इस बार खरीदने का सोच रहे हो। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में।